गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके भी कैलेंडर ऐप में इस तरह का जो है हरदम मैसेजेस आता रहता है, यार यहाँ पे किस दिन कौन हॉलीडे से ज़्यादा यहाँ पे वायरस ही यहाँ पे मैसेज ही आया हुआ है, तो यार हम इसे इरिटेट हो गए क्योंकि हम कभी कोई मूवी देखते रहते, कोई ऐप चलाते रहते, तो यार दो मिनट पर यह जो है मैसेजेस आता रहता है। ये जो मैसेजेस है या मतलब कोई टाइम पर भेजता नहीं है, मैसेज ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड में लगा हुआ है। आज है 19 तारीख, देख सकते हो 19 तारीख को यहाँ पर जो है हर एक टाइम यहाँ पे ये मैसेजेस भेज रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो 10 बजे 11 बजे आ जाएगा, फिर 12 बजे आएगा, फिर यहाँ पे 20 तारीख को आएगा, 21 तारीख को आएगा, और यही नहीं नेक्स्ट मंथ तक या अक्टूबर तक यहाँ पर लगाया हुआ है, और यह मैसेजेस ऑटोमेटिकली आता है रहता है। और यह एक ग्रुप है पूरा हैकिंग का, यहाँ पे पूरा ग्रुप है जो कि यार सभी के फ़ोन पर यह भेज रहा है, और 10 में से 2-3 लोग तो यार क्लिक कर ही देते हैं, तो उसका जो है उतना में ही काम चल जाता है और वगैरह उनका डाटा जो है लीक हो जाता है। और यदि आपका यूट्यूब चैनल मतलब जो ईमेल आईडी से आपका यह कैलेंडर लॉगिन है, अगर उससे आपका यूट्यूब चैनल वगैरह है तो हैक वगैरह हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसे बंद कर सकते हो, बस एक सिंपल ट्रिक से। यदि आप सोच रहे हो कि यार जो भी मैसेज आता है उस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट करेंगे तो यार बहुत सारे मैसेजेस, आप कितना मैसेज को डिलीट करोगे, तो बस इसको आप बंद करने के लिए आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे माई फोन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके माई कैलेंडर का एक आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसको टिक दिख रहा है, इसको बस यहाँ पर से आपको अनटिक कर देना है। अनटिक करोगे बस आपको और कुछ नहीं करना है, देख सकते हो यहाँ पर एक भी मैसेजेस नहीं है, जैसा कि देख सकते हो। मैं आपको एक बार यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और फिर से आपको कैलेंडर ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी यहाँ पे अब वायरसेस वगैरह नहीं है। हाँ, आप अगर उसे ऑन करते हो तो फिर से मैसेजेस आना शुरू हो जाएगा, बट आप उसे 1 महीने तक बंद ही रखिएगा तो आपका मैसेज आना भी बंद हो जाएगा। यदि आपका अनदर कंपनी का फ़ोन है और आप में यह जो है सेटिंग नहीं है, तो आप अभी आई बटन और स्क्रीन पर वीडियो आएगा उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो में मैं सभी कंपनी के सेटिंग बताया कि किस तरह से कर सकते हो, और यह सिर्फ सैमसंग वालों के लिए था। तो वीडियो चल गए तो लाइक करें, चल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें।